हाँ जी मन में क्वेश्चन उठते हैं, जैसे मरते तर्क तो बुद्धि देती है ना, तो तर्क भी गलत करती है, तर्क की सुननी चाहिए, गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है, लेकिन मन में एक सवाल उठा, तर्क तो वही देगा ना बुद्धि देगा, तो कहते हैं बुद्धि की सुननी चाहिए। आप इन्होंने पूछा है कि मन में प्रश्न आते हैं तो बुद्धि की सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए। जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले ये जान लो ये मेरे हैं ही नहीं, ये मेरे संस्कार वश बना हुआ बुद्धि जिसका नाम मुन्ना है मन है ये उसके हैं। क्या करना है जान के दफा करो ना, मैं अपने आप एक्सपीरियंस करके जानूंगा जीवन में क्या होता है, वो है अल्फा। मेरा ज्ञान कहाँ है, ज्ञान कहाँ है, ज्ञान के ऊपर सुन लो पहले एक कहानी दूसरी, फिर पहली वाली जो सुनानी थी अलग। एक बार एक बहुत गरीब ब्राह्मण बेचारा जैसे तैसे मांग तांग के गुजारा चलाता था, भीख मांग मांग के समझो भिक्षाम दही, घर के लिए अन्न राशन भोजन लाना और घर में बीवी दो बच्चे उनका भलन पोषण, दो बूढ़े माँ बाप, और रोज रोए पिटे मेरे भाग्य पे, क्या है मेरा भाग, क्या है मेरा भाग। तो जब रात को सोने जाए दिन में बात करे तो सारी फाइलें वही बनाए, क्या है यार भाग, कुछ नहीं है यार भाग। उसने फैसला कर लिया, जजमेंट कर ली, राय बना ली, पक्के यार हम तो साले कंगले ही हैं, भिखारी बने भिखारी जियेंगे, जिंदगी का कुछ नहीं है। रोते रवाते पिटते एक दिन एक संत के महाराज पास चला गया कि थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ। बोले महाराज क्या मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मैं अगर अरेंजमेंट ना करूँ तो घर में तो रोटी खाने को ना मिले, मैं अगर कुछ खाने पीने को लाता हूँ तो घर वाले जी रहे नहीं तो कैसे जिए। बोले दो बच्चे एक बेटा बिटिया कैसे जीवन जियेंगे, बुजुर्ग माँ बाप है क्या करेंगे, बीवी है बहुत निरीह प्राणी, हमारा तो जीवन ही नरक है। उसने कहा ओफो। बोले बेटा अगर बात माने मेरी तो बोलूँ। बोलो जी बोलो महाराज जो हुक्म। बोले देख तेरी जिंदगी तो नरक है यहाँ, अगर तू यहाँ रहा तो तेरी जिंदगी तो बर्बाद है उनकी भी बर्बाद है, आज तू ऐसा कर मोह भंग कर और मेरे साथ चल, 15 दिन में दूसरे गांव से घूम के आएंगे फिर देखेंगे। तो उसने कहा महाराज बाकी मैं दुखी हो गया अब मैं चलता हूँ यार यहाँ से। ले चले जी 15 दिन के निकलने का कार्यक्रम हो गया। अब जब वो रात को लौट के नहीं आए घर वालों ने सोचा मर गया, गाँव में शोर मचा, गाँव वालों ने कहा भाई शेर है हमने देखा था घूमते हुए, किसी को पकड़ के ले जा रहा था वही होगा, जब देखते हैं 2 दिन और, 2 दिन और देखा कोई नहीं। 2 दिन तक तो रोना पिटना हाय बर्बाद तबाही, गांव इकट्ठा हो गया। बोले भाई गरीब ब्राह्मण था देखो यार अब इसके बच्चों कच्चों का इंतजाम करना पड़ेगा, कुछ ऐसे नहीं होगा। तो सबने मिल मिला के क्या कहा भाई कि ऐसा करेंगे यार हर महीने का 2 अनाज के बोरे मैं दे दूंगा, एक ने कहा चावल का एक मैं दे दूंगा, सब्जी मेरे यहाँ से ले लेंगे, और यार 2 बच्चे हैं इनमें से छोटी जो बेटी है उसकी पढ़ाई का खर्चा ले लेते हैं, लड़के को आधा दिन खेत पे मैं काम करा दूंगा, और बूढ़े माँ बाप है इनकी दवाई का मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा। 5-6 दिन में क्या रोना क्या पिटना, साला खाना पीने का इंजाम हो गया। उन्होंने जो रो रहे थे 4 दिन बोले अच्छा मरा, साले हमारी तो लॉटरी लगा गया, बटिया की पढ़ाई का काम हो गया, बेटे को नौकरी मिल गई, बूढ़े माँ बाप की दवाइयाँ इंजाम हो गई, साला तेल लेने गया मरता मरे साला मनहूस। 15 दिन उस आदमी को लगा यार क्या जिया होगा क्या किया होगा, पर ठीक है यार मैं बड़ा शांत हो गया हूँ। तो बोले संत जी मैंने परिवार देखना है, वो बेचारे कैसे जी रहे होंगे, किस प्रकार का कष्ट हो रहा होगा उन्हें, मेरी आत्मा रोती है, चिंता होती है उनकी कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, बेटी क्या करती होगी, बूढ़े माँ बाप की चिंता है मुझे। बोले यार तुम चिंता ही करते रहना और कुछ नहीं। बोले नहीं मुझे जाना है देखना है, चोरी से जाना वापिस आना पड़ेगा तुम्हें। बोले कैसी बातें कर रहा हूँ मैं उनका दुख मैं। बोले जा जा दफा हो गया जी। बोले महाराज ने बोला छुप के देखना, तो छुपता छुपाता गया पिछले हिस्से से घर के देखा खिड़की से झांक के, तो अंदर तो उस दिन पुड़ियाँ आई हुई हैं, खीर चल रही है, फ्रूट रखे अनाज का बोरा है, बेटी आई अपना होमवर्क कर रही है, बेटा जो कह रहा है थका हारा है अम्मा मेरे लिए पूरी सब्जी लगा दे। उसने कहा साले तो पागल हो कर दिया यार, तो बड़े मजे कर रहे हैं साले मेरे बिना, मेरी तो जिंदगी मैं तो आग लग गई मेरे अंदर, ये पूड़ी तो मैं भी खाऊंगा, ये साला खीर तो मैं भी पाड़ूंगा, मुझे भी चाहिए, ये साले मजे कर रहे हैं मेरे बिना। वो घर में गया बोले ये क्या हो रहा है ये, उन्होंने कहा भूत आ गया। 2 बंदे और पड़ोस से बुला लिए, बोले मारो साले को, खूब कुटा। बोले मैं जिंदा हूँ बात मानो। बोले मर हूँ साले तेरी, रोज का भिखमंगा बना के रखा हमें साले, तू अगर जिंदा पकड़ा गया पता लग गया तो हमें तो राशन बंद हो जाएगा, मारो साले को। भगा दिया उसकी हड्डी पसली तोड़ के। वो गया महाराज के पास, बोले महाराज ये क्या है, ये क्या ले आया है दुनिया का। बोले बेटा तूने ना वहां रह के सारी उम्र चिंता ही भेजी, तूने चिंता की फाइलें बनाई, प्रकृति को चिंताएं दी और ये अभिमान किया, अरे मैं नहीं रहा तो तुम्हारा क्या होगा। अबे घमंड करने वाले तेरे को भी ईश्वर कैसे पाल रहा, उनको कैसे पालेगा उनका नसीब, तू होता कौन है सोचने वाला कि ईश्वर उन्हें कैसे पालेगा, वो उनका नसीब। बोले महाराज ज्ञान हो गया। बोले बेटा इसीलिए कहता हूँ भिक्षा मत लो ज्ञान लो, ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ये ज्ञान हो जाए तो ये चक्षु खुल जाते हैं कि करने वाला कोई और है, हमें कराना ही नहीं आता,
हम चिंता की फाइलें भेजते रहते हैं, मम्मियां सिर्फ चिंता कर करके मार देती हैं बच्चों को, स्त्रियां पति के लिए चिंता कर करके मार देती हैं। पाइप लगा रखा उन्होंने चिंता का, चिंता वाटर, प्योर चिंता वाटर बर्बाद कर देते हैं वो। इसलिए चिंता नहीं करनी, चिंता की वाइब्रेशन भेजनी नहीं। दादाजी को रात को सोते हुए फाइलें मिलनी नहीं, नहीं चाहिए चिंता की। लोग पर्सनल चिंता करते हैं, मेरा सिर ऐसा है, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरी नाक अच्छी नहीं है, हाय दुनिया क्या बोलेगी। दादाजी वही फाइलें 8 घंटे की देखते हैं और कॉस्मोस को पकड़ा देते हैं अगले दिन, और फिर इंसान रोता रहता, फिर कहता मेरी तो जिंदगी ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसीलिए ज्ञानी, चालू ज्ञानी कहता है बी पॉजिटिव यार, बी पॉजिटिव भाई, बी पॉजिटिव रहो, कोई गलत नहीं, अच्छा सोचो यार, बढ़िया सोचो। ये बढ़िया कैसे सोचो? मांगेराम का बचपन बहुत तकलीफ, बहुत गरीबी में बीता, बाप घोर शराबी, रोज माँ को मारे, जो थोड़ा बहुत पैसा आए जैसे तैसे गुजारा होए, प्रेम मिलना नहीं, बाप के साए में डर डर के जीना, सारे टाइम कुड़ना कोसना। 10 साल का हुआ, बाप मर गया। माँ ने कहा इस छोटे बच्चों को कैसे पालूं, हमारे तो नसीब ही फूटे, हम तो शापित हैं, हमें तो साला किसी जिंदगी में जन्म में सुखी नहीं मिलना। अब स्त्री जात छोटा बच्चा, एक व्यक्ति को प्रेम दया आ गई, उसने कहा चल मैं तेरे से विवाह कर लेता हूँ, तेरे बच्चे को भी पाल लूंगा। थोड़े दिन फिर गए, बड़े प्रेम से जिए। मांगेराम ने कहा ये नया पिता अच्छा है। 2 साल बीते, अब उसकी माँ को उस नए पिता से बेबी हो गया। अब छोटा बच्चा हुआ, माँ ने उसको प्यार देना क्योंकि पिता भी उससे जुड़ा हुआ, और बाप ने भी मांगेराम को कहा दबाओ साले, अब तो मेरा अपना बच्चा तेरा क्या करूँ। मांगेराम फिर कुड़े, फिर कोसे, फिर सड़े, क्या जिंदगी है। अब वो 15 साल का हो गए, हर छठे दिन बाप की कब्र पे जाए, उसे गालियाँ बके, जूते मारे, कहे साले तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तेरी वजह से आज मैं ऐसी हुई, माँ मर जाएगी तेरे साथ कब्र में डालूंगा, उसको भी जूते मारूंगा, उसने हमारी जिंदगी खराब की, उसने क्यों शादी करी, दूसरा भाई क्यों आया, हमारे हक छिन गए, मुझे प्यार नहीं मिलता, ये जो नया बाप है ये भी प्यार नहीं करता, ये भी साला कुएं में डूब के मर जाए। और 2 घंटे बकवास भोंक के रोज वापिस आए, रोज का नियम। समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हुआ, 15 साल का बेटा हो गया, दूसरा भाई उसका, बाप ने उसको विदेश सेटल कर दिया, खुद भी उसके पास चला गया और वहाँ से आया ही नहीं। माँ बूढ़ी हो गई, मांगेराम जवान हो गया, छोटे मोटे काम गुजर बस्ती करता था, और माँ फिर खाली बेकार। अब वो फिर रोए कि बेटा मेरे तो नसीब ही फूटे, मेरे तो पति मेरे सुख टिकता ही नहीं, तू भी बेटा बेकार का जिंदगी जी रहा है, मैंने तुझे भी सुख नहीं दिया। उसने कहा माँ तुम मर तो सही, मैं तुझे भी गालियाँ दूंगा। अब ऐसे फटे हाल, दिमाग खराब, 6 महीने इधर से मांग उधर से तांग गुजारा करते कराते हमारी कहानियों के संत महाराज के पास वो पहुँच गया। अब जब वहाँ पहुँचे, सत्संग चले, समझ कुछ ना है लेकिन बड़ा अच्छा लगे, कहें शांति होती है यार। तो संत जी के पास वो बोले 2 क्या घंटे में तो 6 घंटे बैठूं, उनकी सेवा करने में लग गया। बोले महाराज मुझे आपके आसपास रहने से ही शांति आ जाती है। थोड़े दिनों में प्रसन्न रहने लगा। बोले महाराज मेरा मन नहीं करता जाने का, क्योंकि जब मैं यहाँ से जाता हूँ मेरे अंदर आग लगी होती है, मैं पागल होता हूँ, मुझे क्रोध आता है। बोले बेटा तू रोज 2 घंटे के लिए जाता कहाँ है? बोले मैं बाप की कब्र पर जूते मारने जाता हूँ, साले को गालियाँ बकता हूँ, उस कमीने ने दारू पी पी के बुरहाल कर दिया, अगर वो ऐसा ना करता तो मेरी माँ को ना छोड़ता, माँ को ना छोड़ता, दूसरा पति ना लेती, भाई ना होता, प्रेम ना बटता, ऐसे हमारे हालात ना होते। तो बाप ने कहा बेटा तो फिर तुम मुझसे कैसे मिलता? बोले महाराज मैं आपसे मिलने के लिए इतना ड्रामा हुआ है। बोले बेटा जो भी होता है वो किसी कारण से ही होता है। बोले महाराज ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था, आपके पास की जो शांति मैंने अनुभव की है वो जीवन में लोगों को मिलती नहीं, और आप शिक्षा देते हैं कैसे जीवन में धनवान बने, कभी सोचा नहीं। बोले बेटा सोचना। बोले महाराज आप क्यों नहीं बनते? बोले बेटा मैं धन की धनवानता से बहुत ऊपर जा चुका हूँ, अब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ कि मेरे द्वारा लोग धनवान बनाए जा सकते हैं, इसलिए मुझे बनाना आता है धन, अधिक क्या करना है। मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्नता पे ध्यान देता हूँ, मैं खुशी पे ध्यान देता हूँ, शरीर के स्वास्थ्य पे ध्यान देता हूँ। बोले महाराज तो मुझे क्या करना है? बोले बेटा तू सोचता क्यों नहीं कि तू होता कौन है अपने बाप के बारे में ये जज करने वाला कि उसने ऐसा क्यों किया, तू होता कौन है अपनी माँ के बारे में विचार करने वाला कि उसने विवाह किया दूसरा बेटा किया, तू होता कौन है बोलने वाला कि मेरे भाई ने बाप नए बाप ने मुझे छोड़ दिया। बोले उन्होंने जब जो जैसा किया उनका प्रारब्ध था, उनके कर्म थे भोगने थे, तुझे भी भोगना था, तू इससे निकलने को राजी नहीं है। कोई इंसान गलत नहीं होता, मजबूर होता है। कई कई क्राइम हम कहते हैं हमने किए, वो भी हमसे होते हैं, करते नहीं हैं हम, अधिकतर गलतियाँ गलती से करते हैं, प्रारब्ध के पैटर्न के तले करते हैं। उसके लिए बेटा लड़ना नहीं है, तूने लड़ लड़ के प्रकृति को लड़ाई के ही संदेश भेजे, कंगाली के, कुड़ने के, कोसने के, इसलिए प्रकृति वापस वो फाइल साइन करके तुझे दे देती है। बोले महाराज तो आज के बाद बेटा रोना नहीं, अपने सिस्टम में से जलन क्लेश क्रोध अहंकार ईर्षा वैर सब निकाल के फेंक दे। बोले महाराज मिल गया संदेश,
चरण छुए, बाप की कब्र पे गया, उसे चूमा, माथा रगड़ा, खूब रोया और बोला, पिताजी मुझे माफ कर दो, आपने जो किया जैसे किया आपकी मजबूरी थी, आपके हालात को मैं नहीं जानता, आप क्यों दारूबाज बने होंगे कोई नहीं जानता, क्या पता माँ कैसी थी नहीं थी, माँ ने किस हालात में मजबूरी में दूसरा विवाह किया, मैं कौन होता हूँ किसी के बारे में राय बनाने वाला, मैं कौन होता हूँ कोई फैसला लेने वाला, परमात्मा की इच्छा थी, प्रकृति की देन, मैं आपको आज से प्रेम भेजता हूँ। मेरे अंदर प्रेम नहीं था पिताजी, मैं प्रेम चाहता हूँ। उसके सिस्टम में जो प्रेम दौड़ा, सिरहने दौड़ गई, कप कपाहट आ गई, शरीर में प्रेम का ऐसा अवतरण हुआ कि प्रेम की कुंजी लेकर के वो वापसी निकला। क्षमा खत्म, भुला समाप्त कर दिया, पास्ट को इरेज कर दिया। जो सब्जी खराब हो जाती है उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जो याद खराब होती है उसे नहीं फेंकते। जो खाना हजम नहीं हुआ, उसके तबीयत जो खराब हुई, वो चार दिन में दवाई खा के भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, होते कौन है हम जज करने वाले, उसने अपनी मजबूरी में किया, उसका अपना स्वभाव है, अपनी नेचर है, हम उसे कूड़ेदान में नहीं फेंकते। और उसी से भरे हुए पाइपलाइन हमारे अंदर चलती रहती है। रात को दादाजी साइन बना के करके फाइल बनाते हैं, अगले दिन कॉस्मोस फाइल लेता और फिर वही हो जाता है। जिंदगी में क्या होगा, प्रेम, प्रेम फैलाओ, प्रेम दो, प्रेम के द्वारा सब कुछ नष्ट हो सकता है। अल्फा की ब्रेन में प्रेम है, कुछ नहीं है इसके अलावा। एक लड़का आता है, मेरे पास काम नहीं है, पत्नी को काम करना पड़ता है मजबूरी में, और फिर वो बीच बीच में काम चलता है, उसका कुछ होता है, सत्संग करता है, कहानी सुनता है, बातचीत करता है, फिर कहता है जॉब फिर छूट गई। पिछले 12 साल से चल रहा ट्रेंड, पत्नी जॉब करती है, क्यों बिगड़ता है, हर छठे दिन हर 15वें दिन बीवी पे शक करके उससे कलेश शुरू कर देता है। तू सत सवर के क्यों जाती है ऑफिस, तूने लिपस्टिक क्यों लगाई है, तू बहुत हंसने लगी है आजकल, पति पत्नी के संबंध में तो दरार आ ही चुकी है, कुत्तेबाजी हो चुकी है, उसकी नौकरी नहीं लगती, आपके जीवन में आपका धन फंस गया, क्यों फंसा है, ऐसा क्या हुआ होगा आपसे जो दादाजी ने फाइलें देके कॉस्मोस से साइन करा लिए कि धन फंसा है। आपने किसी का धन मारा है, किसी ना किसी का धन मारा है आपने कभी ना कभी, आपके 10 लाख फंस गए, आप 5 ग्राम दुखी हुए, आपने किसी के 10 रुपए मारे थे, 5 ग्राम दुख दिया था, आपके 10 लाख जाएंगे, आपका धन फंसा इसीलिए, नहीं तो फंस ही नहीं सकता। आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, इसका मतलब दादाजी वो फाइल साइन करा रहे हैं कि जिसमें प्रेम वापिस ही नहीं आता। आपके अंदर क्लेश है, आप में क्रोध है, आप लबालब भरे हुए बदले की भावना से, आपके इंटरव्यू पास नहीं होते, पेपर क्लियर नहीं होते, पास नहीं होने की फाइलें हैं आपके पास, फेल होने की फाइलें हैं, क्यों, क्योंकि आप में विश्वास नहीं है, आप में विश्वास नहीं है, आप में जलन है कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे से, इस कारण आप पास नहीं होते, आप कंपैरिजन करते हैं हर हालत के अंदर, इसलिए दादाजी कॉस्मोस से वही फाइल साइन करा के दे रहे हैं। आपके जीवन में पीस नहीं है, पीस, शांति, ओम शांति, शांति होनी चाहिए यार जीवन में, और क्या चाहिए हमें, हमें पीस की साइन की फाइल क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि हम अंदर अपने हुड़दंग मचाए बैठे हैं, वही सोचते हैं रात को, सारी रात उसी पे मैरिनेशन होती है, अगले दिन वही मिल जाता है, हमारे दिल के अंदर क्लेश है, कुड़ते हैं हम, जो जीवन में मिला उससे संतुष्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात, अपने आगे किसी को नहीं समझते, किसी को फॉलो नहीं करते। जो इंसान किसी को भी फॉलो करता है उसकी लाइफ में शांति आनी शुरू हो जाती है, टेम्पररी फॉलो करता है टेम्पररी पीस आ जाती है, परमानेंट फॉलो जिसे अंधभक्ति कहते हैं उसके जीवन में परमानेंट शांति आ जाती है। फॉलो करना बड़ा जटिल काम है, जीवन के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की जीत सिर्फ फॉलो करने से हुई, प्रकृति के ऊपर विश्वास करके फॉलो करते हुए यदि ज्ञानमय कोष से हम सोचेंगे तो हम आज साइंस की बात कर रहे हैं कि यार ये फाइलें साइन कहाँ होती हैं, जीवन में साले हम धनवान नहीं बन रहे, क्यों, हमने ऊंचे सपने देख के सोचा ही नहीं कभी सच हो सकता, हमें विश्वास नाम की कमी है। जिस मनुष्य के जीवन में विश्वास है उसके सपने बड़े ऊंचे होते हैं, उसकी सफलता बहुत मोटी होती है, हम वो करते ही नहीं, हम जीवन में ज्ञान लेके राजी नहीं, हम पुरानी सोचों में फंसे हुए हैं। बगीचे में घूमते हुए छोटे बेबी ने, लल्लन ने ये देखा कि एक बूढ़े अंकल गिरे हुए फूल चुन रहे, तो बड़ा उत्सुकता हुई, बोले अंकल ये फूल तो क्या है, अंकल ये ऐसा क्यों है, तो गिरे हुए फूल है, बोले बेटा मैं इन्हें उठाता हूँ क्योंकि इन्हें कोई नहीं उठाता। बोले ये क्या बात हुई, बोले बेटा जीवन की आखिरी डोर रह गई है तो फिर अंकल आप करते क्या हो इनका, तो उसने कहा बेटा मैं इनको प्रभु के चरणों में रख देता हूँ। बोले कमाल है ये क्या, बोले बेटा हर चीज, हर वस्तु, हर जीवित चीज अंत में प्रभु के चरणों में जाना चाहती है। बोले जी कैसे जाते हैं प्रभु के चरणों में, बोले बेटा ये मैं तुम्हें क्या सिखाऊं, छोटे बच्चों कम से कम कुछ गिरे हुओं को ऊपर उठा देना ही प्रभु के चरण समझ लो। बोले जी क्या करते हैं ऐसे फूलों का हम, बोले बेटा लोग अक्सर वृक्ष की सुंदरता छीनते हैं, उन्हें ये नहीं पता वो एक गलत काम कर रहे हैं, वृक्ष का सौंदर्य आधे पके फूल ही तोड़ लेते हैं, अभी उनमें यौवन नहीं आया,
कई फूल ऐसे हैं जो अभी पूरा खिल के चार पांच दिन अच्छी खुशबू देंगे, उसे तोड़ लेते हैं। किस लिए? प्रभु के चरणों में। अभी तो वहां तक पहुंचने लायक ही नहीं हुए। जो 80 साल का हो गया, 100 का हो गया, वृक्ष उसे छोड़ चुका है, उसे चरणों में जाना चाहिए प्रभु के। वो शमशान जाने का हकदार है। तुम 40 साल की, 50 साल की, 20 साल की उम्र में तोड़ लोगे? लोग ये मूर्खता करते हैं, ये प्रकृति के खिलाफ है। बोले हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो पाप कर रहे हैं हम पुण्य के नाम पर। बोले हाँ बेटा, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। बोले और वैसे भी देखो, अब मैं इतना बूढ़ा हूँ कि अब इस उम्र में मैं कोई खास कुछ कर नहीं सकता, तो ये गिरे हुओं को ही प्रभु के चरणों में पहुँचा दूँ, यही बहुत है। आग सी लग गई लल्लन के दिल में। बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये अंकल ने जो बात बताई है, मैं भी आज से यही करूँगा। और वो भागा भागा गया दूसरे वृक्ष की तरफ, देखा खूब सारे फूल गिरे पड़े, उसने उठाए। उसी टाइम दिमाग में मम्मी ने आवाज़ लगाई, ओए गिरी हुई चीज़ें, ये गंदी अपवित्र, ये भगवान के चरणों में डालेगा तू, बेवकूफ, ऐसे नहीं करते। उसके दिमाग ने मम्मी से बहस करी, मम्मी भगवान को ना प्रेम चाहिए होता है, भगवान को विश्वास चाहिए होता है, आपने हमें गंदी शिक्षा दे रखी है, गिरा हुआ होता है कोई अच्छा होता है कोई, हमेशा कहती रहती हो बराबर वालों के साथ बैठो, नीचे वालों को नीचे रहने दो, आप उठने मत देना उन्हें, हमारी शिक्षा ही ऐसी कर रखी है आपने कि नीचे वाला तो उठ गया तो बराबर बैठ जाएगा, मम्मी मैं उन्हें उठाऊंगा। और मम्मी से बात करने के बाद उसने उठाया, क्रांति सी आ गई अंदर, एक आग सी लग गई, पूरे शरीर में खून का दौरा दौरा तेज, दिल की धड़कन तेज, भागा पानी के पास ले जाके उसे नहलाया, सारे फूल अच्छे से साफ किए और जाके पास के मंदिर में कृष्ण के चरणों में डालाया। एक अभूतपूर्व आनंद महसूस हुआ, सबसे पहले वो मिथक तोड़ने का जो पहले से हमें शिक्षा दे रखी है, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। बोले बाढ़ में गया साला थीटा ब्रेन, मैंने अब अपने हिसाब से देखना है, उचित क्या है जो मुझे उचित लगा, कृष्ण क्या कहते हैं, धर्म क्या है जो उचित तुम्हें लगा। तुम्हारा धर्म अलग हो सकता है, दुर्योधन का धर्म अलग हो सकता है, तुम्हारा धर्म है धर्म की स्थापना, यानी कि ये उचित है। कर्ण का धर्म क्या था? मित्रता। लेकिन अनुचित को भी फॉलो करना एक अधर्म है। कर्ण को पता है कि वो कह रहा है कि स्त्री को भरी सभा में नग्न कर दो, लेकिन वो अपने उस धर्म को निभाने में लगा हुआ है और एक अधर्म कर रहा है बीच रस्ते में, इसलिए इसका ज्ञान कैसे होगा? ये ज्ञान तब होगा जब हम पुरानी पकी पकाई बेकार की बातों को छोड़ दें। अक्सर पति पत्नी के झगड़े क्यों हैं? औरत है तू, औरत की तरह रहकर, ये सबसे बड़ा झगड़ा है। तू पत्नी है, तू जीवन संगनी है, प्रेम से रहकर, नई कमांड दो, औरत की तरह के रहेगी वो तो है ही औरत। बेटे आप बच्चे आजकल सुनते कहाँ हैं जी? हम जागृत अवस्था में ये मुंह से बोलते हैं, बच्चे आजकल सुनते कहाँ हैं जी? अरे ये हताश नंबर वन, हताश नंबर टू, हताश नंबर तीन, इतने हताश हम हो चुके हैं, रात भर फाइलें लिखी हैं आपने, इसीलिए दूसरे के सामने शब्द दे के बोल रहे हो आप, कुड़कुड़ के साइन हो जाएगी और आपका बच्चा आपकी कभी नहीं सुनेगा इस जन्म में। अब क्या करें, अब तो शरीर खराब हो गया, अब तो गंदे लगते हैं हम, अब तो मेरे, अब कहाँ, अब कहाँ, अब कहाँ, अब कहाँ, लव भेजो, प्रेम भेजो, प्रेम, सेंड लव। हाँ जी, इन्होंने कहा है बच्चे की अगर तारीफ करें अंदर से ही निकले ऐसा है, तारीफ करने की जरूरत क्या है? फूल में खुशबू होगी, आई जाएगी, आप नजर लगा दोगे, वो नजर जाती है। ये ज्ञान है, ये बहुत धागे से पतला है, पानी से भी तरल है, इसको पाने के मकसद है मौन सीख जाना। आप बोलते ही नहीं वो चीज। हाँ जी, वेलविशर कौन होते हैं? वेलविशर वो होता है जो आपको कूटता है, जो प्यार करता है वो आपका दुश्मन है, वो आपके लाड कर करके आपका सत्यानाश पीट रहा है। जो वेलविशर है उसकी हिम्मत है बताने की, ओए तेरे में से बदबू आती है, बाकी सब कहते हैं नहीं तो चंगा लगता है, चंगा, जरा पीठ घुमाइयो इधर को, पीठ पीछे बोलना शुरू। आपकी तारीफ झूठी है, वो आपका दिमाग खराब करेगी, वापस थीटा पे ले आएगी, अहंकार आ जाएगा, आपका ब्रेन का वेव फास्ट हो जाएगा। आप ये बिलीव करना ही चेंज कर दो आज रात से कि हम अमीर नहीं बन सकते, ऐसी ही जिंदगी है। मुंह से क्या बोलते हो वो फाइलें साइन हो रही हैं, सारे टाइम हम रोते रहते हैं, पेट में दर्द है ठीक नहीं होगा, सिर में दर्द है कभी ठीक नहीं होगा, नहीं होगा। आप बोलो यार साला सही डॉक्टर नहीं मिल रहा यार, ठीक तो इसने होना है। पहले तो आपको यकीन होना चाहिए कि मैं कृष्ण के साथ हूँ। आप खुद ही सोच के बैठते हो यार ये गुरु घंटाल इसके बस की है, अब उसके बस की औरों के लिए तो है, आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि वो मूर्ख नहीं है, वो जानता है कि मेरे से कितने वोल्ट का तार जोड़ा है इसने। 5 एम्पियर का करंट नहीं चाहिए, गीजर को 15 का चाहिए, मोटा वाला प्लग लगता है, आप गलत स्विच लगा रहे हो, आपको छोड़ना ही नहीं आया, जो छोड़ देगा उठाएगा उसे ही वो, क्योंकि गिरे हुए को उठाना कोई कोई संभव कर पाता है, सब करके राजी नहीं, किसी को पड़ी ही नहीं है। आज से स्टडी करो कि मेरे जीवन में ये लफड़ा है, मैंने किया क्या है, मैंने मांगा क्या है साला। तड़पते हैं लोग,
पैसे के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए आपकी कमी है। जो इंसान ये कहता रहता है साले तेरी कमी है, तेरी कमी है, ओके नो प्रॉब्लम, उसकी कमी है नो प्रॉब्लम, मेरी कमी है, आखिर में फाइलों में तो ये लिख रहे हो कमी है। दादाजी को फाइलें क्यों दे रहे हो ऐसी, मैनिफेस्टेशन वही होगी। आपके जीवन में प्रेम कैसे मिलेगा, आप में प्रेम होना चाहिए, आप में तो नफरत है। फिर आप कह रहे हो बहुत प्रेम करता था बेटा मेरा पहले, अब प्रेम नहीं करता, आप में प्रेम है। आपको बैडमिंटन खेलना आता है, हाँ आता है, मैं भी खेलूंगा आपके साथ। अंकल आपको चेस खेलनी आती है, नहीं, दफा हो जाओ अंकल मेरी नजरों के आगे से, मैं चुन्नू को ढूंढता हूँ कहाँ है। प्रेम आया घूमता हुआ, आपके पास प्रेम है, नहीं हमारे पास तो शिकायतें हैं, तो दफा हो साले मर फिर तू। प्रेम किसके पास है, उसके पास है, प्रेम चौधरी के पास चले गए, जिसके पास जो होगा वहीं तो आएगा भाई। धन धन कह रहा है मैंने आना भाई किसी के पास, किसको चाहिए, 100 लोग ढूंढे 90 तो यही कुछते हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा, साले बाप दादा ही कमीने थे, ना पढ़ाया हमें है, ना कोई शिव चीनी की मिल खोली, साले दारू में उड़ा दिया, याशी कर दी बर्बाद। धन कहता ओहो ओके, अगले नेक्स्ट नेक्स्ट 10 में मिल जाते हैं उसे, 4 ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं साले नोटों की ऐश करेंगे, बाप दादा ने भी दारू पी पी के ऐश करी, साला हम भी करेंगे। कहता हाँ, 4 इनके घर जाते हैं। बाकी 2 लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं पैसा क्या है, वैसे यूं कमाते हैं, 2 नंबर में कमा लेंगे, हम तो मर्डर करके कमा लेंगे, आतंकवाद कर लेंगे। उनके पास भी जाता है क्योंकि बुला रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, उसे संपर्क स्थापित। आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है, लड़कियां कहती हैं कितने प्यार से बात करता है, कितने प्यार से बात करता है, कितना अच्छा है। अरे प्यार से बात करता है तो उसी से तो वो बात करना चाहती हैं, जो प्यार से बात ही नहीं करना चाहती उसे कहती है उसका मोया बना देती है। वाई, क्योंकि तुम्हें चाहिए प्रेम, तो साला तुम में तो प्रेम होना चाहिए, तुम्हें चाहिए उससे हंसी खुशी गप्पे मारना, छिछोरापन आप में भी तो होना चाहिए, तुम्हें चाहिए उससे श्रद्धा, तो आप में ज्ञान तो होना चाहिए। तो हमारे अंदर चाहिए ना प्यार, तभी तो हमारे जीवन में प्यार आएगा। हमारे अंदर चाहिए नफरत, नफरत आ जाएगी। हमारे अंदर क्रोध है, क्लेश है, क्षमा कहाँ है, क्षमा कहाँ है हमारे लाइफ में, प्रेम कहाँ से आएगा, हमने क्षमा ही नहीं सीखी। हम आज एक प्रार्थना जानेंगे, क्वेश्चन आंसर लेते हैं इसके बाद। जो सोई हुई प्रभु जी की प्रतिमाएं हैं, क्या चीज, जो सोई हुई महिलाएं, ये किसके लगाई थी आपने, सोई हुई महिलाएं, इनको महिलाएं देखनी रह गई हैं, ये मेरी गलती है, ये एग्जांपल था हमारा कि एक सोई हुई महिला है, ये सोई हुई महिला है, ये कौन सा ब्रेन है, देखो कितनी प्यारी लग रही है, शांत, कोई इसे छेड़ेगा अस्थिर करेगा नहीं, सोने दे। ये हमारी डेल्टा पर है, ये डीप स्लीप है, मुंह से थूक भी निकल आता है, डीप स्लीप, दादाजी फुल काम पे हैं, फाइलें बना बना के पर्चे भर रहे हैं, कैसे पास होना है पेपर, बच्चा सोच के सोया पेपर पास ही होगा, कोई टेंशन ही नहीं है भाई साहब, प्रेम ही प्रेम है, जॉब लगे लगे ना लगे, देखा जाए लगी पड़ी है, साला हो जाएगा, छोड़ दिया गुरु महाराज पे, छोड़ दिया डॉक्टर पे, छोड़ दिया, मैंने कलेश नहीं करना, मैंने मस्त रहना है। ये है डेल्टा डीप स्लीप, रात को सोने से पहले हंसी खुशी वाले कोई सीरियल देख के सोया करो, हम तो भाभी जी घर पे हैं देखते हैं। ये है ड्रीम, ये हो गया थीटा, ड्रीम्स सपने चल रहे हैं, इसमें कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, ये वो स्टेज है फाइलें तैयार की जा रही हैं, हमने जो तैयार की हैं। अच्छी फाइल बना रही है भाई, अपने अपने बॉयफ्रेंड पे डिपेंड करता है, धीरे धीरे देखो यहाँ औरत है या माता है, आगे देखते हैं क्या बनाते हैं, देवी वेवी क्या बनेगा, अलग अलग स्वरूप। अब ये हमारे पास फोटो मिले नहीं प्रॉपर, इस कारण ऐसा है, ये हमारा अल्फा ब्रेन है, इसको ले लो इसको लो, ये तब दोनों एक जैसे सही आए हैं, ये अल्फा ब्रेन है, जब हम मस्त हैं, बिल्कुल मस्त हैं, कैसे होगा क्या होगा, हमें कोई लेना नहीं देना नहीं, थोड़ा सा इसके हम आँखें खोल देते हैं, अलर्ट होती है ये ब्रेन, बीटा, ये अल्फा ब्रेन है, जब हमने छोड़ दिया ईश्वर के ऊपर, हमारा ये मतलब मुद्रा होती है, हमारा ये सिस्टम, ये रिलैक्स्ड, टोटली अवेयर, क्या हो रहा है, हाँ गुस्सा आ रहा है मुझे, अरे मुझे अहंकार आ रहा है, ये मैं गया घूम के थीटा पे, अहंकार आ रहा है मुझे, अरे फालतू चीजें सोच रहा हूँ मैं, कामुक विचार आ रहे हैं, व्यर्थ का लोभ हो रहा है, दूसरे का धन लेके भाग जाऊं, इच्छा हो रही है, अरे गाली बकदू से मन कर रहा है, लेकिन मुझे पता है, मुझे सब पता है, क्या क्या होगा लाइफ का, यहाँ देख रहे हैं आप, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और ऐसा तो बिल्कुल ही करेंगे भाई साहब। ये हो गया बीटा, ये बीटा है, अब यार सोचते सोचते हमने सोचा सब करना है, कैसे होगा, अरे देखेंगे साला करेंगे यार, आ गए वापस यहाँ, इसको टच एंड गो, टच एंड गो, टच एंड गो, चिंता है कहीं, यहाँ है, अगर इसने भी यहाँ से चिंता ले ली फिर यहाँ आ गया, अब पागल हो गए, सपने पूरे नहीं हो रहे, चिंता ही चिंता है, दिमाग खराब,
आग लग गई मैं क्या करूं, यहां से सीधा जंप मारा हमने गामा पे और आपस में ही लड़ मरे, तू कुत्ता तू कुत्ती तू कुत्ता तू कुत्ती, तेरे बच्चे कुत्ते के बच्चे, तेरे बच्चे कुत्ते के बच्चे, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, इंसान है, कुत्ता कुत्ती खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, गामा पे पागल हो चुके हैं, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, कोई मैनिफेस्टेशन का पता नहीं, कोई दिमाग खराब का पता नहीं, इस ब्रेन पे अगर यह हाल हो रहा है, गाली बकरे ऐसा सत्य में होता है, पति पत्नी है झगड़ रहे हैं, मन कर रहा है, लड़की सोच रही है मैं ना अपना नेल कटर ला के ना साले के यहाँ पर नाखून के पीछे तक खाल में घुसेड़ दूँ, खाल समेत निकाल लूँ, लड़का सोच रहा है ये तवा जो रखा ना रसोई में इसने, इसी को उठा के साले इसके सिर पे मारूं, उठा के बोल नहीं रहे, क्या रियलाइजेशन है, यहाँ से ट्रांजिशन हो रहा सीधा अल्फा पे, नहीं इसको चोट लग जाएगी हॉस्पिटल तो मुझे ले जाना पड़ेगा, और बाद में फिर ये सोच रही है क्या फ़ायदा इसका, नाखून काट दूंगी मैं, स्किन काटूंगी, मेरा नेल कटर खराब हो जाएगा, आपको बीच रस्ते में ज्ञान आ रहा है बार बार, जब जब आपको रियलाइजेशन हो रही है और दिमाग की और दही हो रही है तब तब आप सेफ हो, आपको क्रोध अलाउड है, शक अलाउड है, वहम अलाउड है, अपनी नजरों से गिरना अलाउड है, आपको झगड़ा अलाउड है, आप डरते हो अलाउड है, पर क्या ये सब आपको पता है, आपको पता होना चाहिए, कभी मुन्ना तंग कर रहा है, कभी छैनू तंग कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि ये सब मेरी लाइफ के अंदर खोपड़ी के अंदर चल रहा है, और आखिर में मैंने फाइलें ये साइन करके नहीं रखनी, रात को फाइलें साफ सुथरी रखनी, आपकी रात की फाइलें सेट हैं, अगले दिन जो मैनिफेस्ट होना ही है वो तैयार करके आप रात को रख रहे हो, मैरिनेशन हो रही है, वही आपकी लाइफ है अगले दिन से, बैठे बिठाए रातों रात अरबपति बन जाते हैं लोग, लॉटरियां लग जाती हैं, क्योंकि रात की फाइलों पे डिपेंड करता है, आप सुबह 5 बजे तड़के निकलोगे, कैसे निकलोगे 5 बजे तड़के, भाई साहब रात को बैग तैयार करके सोना पड़ेगा, रात को एक रात पहले, ये रात का खेल है, 72% की शक्ति दादाजी की रात में ऑन होती है, डेल्टा और अल्फा अमलगमेट कैसे होंगे, डेल्टा और अल्फा एक साथ एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे, 24 घंटे जुड़े हुए हैं, इन्हें तो जुड़ने की जरूरत ही नहीं, हम और धरती जुड़े हुए हैं, बस जैसे ही हम उस ब्रेन वेव को टच करते हैं दिन में किसी भी टाइम हो गया, इसी का नाम मेडिटेशन है, आप किस चीज पे मेडिटेट कर रहे हो, हमने मेडिटेशन की गलत मतलब रखा हुआ है, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, ऐसे करें, श्वास ऐसे लें, हम दिन में लगातार जिस चीज के ऊपर फोटॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं वो मेडिटेशन ही है, हम दिन भर मेडिटेट करते हैं टेंशन पे, दिन भर मेडिटेट करते हैं क्लेश पे, हमारा बच्चा क्या करेगा, ये साला बहुत ही बदतमीज है, कैसे नोट छापेंगे यार, कैसे टेंशन टेंशन, हम मेडिटेट तो करते रहते हैं सारा दिन, बेवकूफ बना रखा है ये बाकी पौंगे पंडितों ने, मेडिटेशन करें, मेडिटेशन तो सारा दिन करते हैं, पहले अकल दें कि तुम मेडिटेट कर किस चीज पे रहे हो, मेडिटेट तो लोग सारा दिन कर रहे हैं, कर्जा ही खत्म नहीं होता, कर्जा ही खत्म नहीं होता, कर्जा ही खत्म नहीं हो, इतने जब करोगे खत्म कहां से होगा, आप चलते फिरते सड़क पे यूं ही बोलो तू कुत्ता तू कुत्ता तू कुत्ता, 4 थप्पड़ मारेंगे लोग पकड़ के, क्योंकि लगातार हो गया, किसी को एक बार बोल दिया कुत्ता सा लग रहा है, तू कहेगा साले पागल है तू कुछ, पहला रिस्पॉन्स, फिर हम कहेंगे ना ना तू कुत्ता ही लग रहा है, कहेगा मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा, 4थी 5वीं बार जब आपने मेडिटेट कर लिया तो मुक्का मारेगा, हम लगातार जो काम कर रहे हैं उस पर रिस्पॉन्स आएगा ना, हम लगातार तो कोस रहे हैं, लगातार तो कुड़ रहे हैं, लगातार गाली बक रहे हैं, लगातार शापित हो रहे हैं, खुद को साला दोष देते रहते हैं, एक बार दो बार छोटी छोटी फाइलें बनती हैं दादाजी, हर फाइल को पूरा कर रहे हैं, इसलिए दिन में छोटी सी चीज मिल जाती है, कहते हैं साला कुछ बड़ा मांग लिया होता, उसी सहजता से बिल गेट्स जैसे लोग बहुत बड़ा मांग लेते हैं वो भी हो जाता है, इसलिए हम लोगों का बहुत कुछ बड़ा काम हो जाता है वो छोटे की तरह लेके चलते हैं, हम क्या कहते हैं बहुत बड़ा है ये तो, बहुत बड़ा निशान है ये कैसे जाएगा, छोटा सा निशान होता ना हम देखते भी नहीं, थूकने भी नहीं जाते उसके पास, वो हो जाता ठीक, हम बड़े को भी कहना ठीक है यार हो जाएगा साला, वो भी हो जाता है, हड्डियां ठीक हो जाती है लोगों की, बड़े बड़े लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे साले वो भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जागते हुए भी डेल्टा या जो जिसको मैं कैसे बोलूं, मतलब हमने डेल्टा में अल्फा को एक्टिवेट रखना सुना, अल्फा में डेल्टा कैसे एक्टिवेट, अल्फा में डेल्टा एक्टिवेट नहीं होता, बॉडी एट रेस्ट चाहिए, क्योंकि बॉडी से तो मैनिफेस्टेशन होगी, अरे गाड़ी तो चल के जाएगी, ये गाड़ी है ना हमारी, मैनिफेस्ट फाइलें तैयार डेल्टा में ही होंगी, लेकिन उसकी जो प्री प्रिपरेशन है वो अल्फा की रखी है, थीटा और बीटा से बाहर रहे, इसे रियलाइज करना है आपको, हर चीज रियलाइज करनी है, अगर नहीं हो रही ना तो प्रेम में होना चाहिए आपको, आप घर में है कि प्रेम में है, हम लोग घर में होते हैं, हम लोग मंदिर में होते हैं, हम लोग दुकान में होते हैं, प्रेम में नहीं होते, प्रेम का मतलब ही सिंपल सा है, वेव बड़ी स्मूथ हो गई, प्रेम में कैसे हैं दिखाई, जरा शक्ल बनाई तो प्रेम में आप कैसे होंगे, ऐसे होंगे, देखा देखो प्रेम में कैसे होंगे, अपने आप निकल गई
तितलियां उड़ा दी इन्होंने, ठीक हो गया। अबे प्रेम की तितलियां कहां से उड़ी, ये प्रेम में रह चुके हैं, इनके अंदर वो वाइब्रेशन है, कोई याद नहीं दिलाता। अभी मैं बोलू ना गुस्सा करके दिखाना, गाली बखना जरा, ऐसा चेहरा हो जाएगा इनका जैसा ही करते हैं अपने स्टाइल में, क्योंकि गुस्से में रह चुके हैं। सिर्फ उस बटन को ऑन करने की आवश्यकता है। क्यों सत्संग में हम आनंदित होते हैं, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सानिध्य में, जिसके करीबता में, इसके पास होने में हमारी वो बटन ऑन हो जाते हैं जो हम तड़प रहे हैं, यार कोई ऑन ही नहीं करता। तभी तो हम छोटे बच्चों को पुचकारते हैं, अक्सर कहते हैं घर के लोग मेरे पास आते हैं, कुत्ता पालने की सोच रहे हैं हम, मैं कहता हूँ इसका मतलब कोई किसी को नहीं पाल पा रहा। अब एक बेजुबान पालेंगे और उससे खुशी लेना चाहते हैं, आपस में खुशी नहीं है। कुत्ते से प्यार किसको चाहिए जिसे इंसान से नहीं मिल रहा, जिनको नहीं चाहिए रखते हैं लोग ऐसे घर में। बच्चे कहते हैं पप्पी ले आए हम, किस लिए? फिर बच्चों को मैं कहता हूँ बेटा उसकी पॉटी कौन उठाएगा? मामा उठाएगी। चूचू कौन करेगा? पापा। बच्चे का क्लियर फंडा है मैं तो खुश होने के लिए लाना चाहता हूँ, क्योंकि खुशी है ही नहीं कहीं, उसको पप्पी चाहिए जिससे खुश हो खेले। आप खुश आपस में क्यों नहीं है? क्योंकि सारे टाइम अंकुश लगा रखा है, बेटा ये नहीं करते वो नहीं करते, संस्कार ब्रेन ऑन ठिचों, सारा दिन बच्चे की धमका धमका के ब्रेन को पॉलिश करके उसके अंदर जजमेंटल ब्रेन ऑन कर रखा है कि ये राय बना। ऐसा होता है, ऐसा होता है, दुनिया ऐसी होती है, वो वैसी होती है। बच्चे कहते हैं अंगड़ाई ले ली मैंने, मैं खुद ही जानूंगा, मेरे को नहीं पूछना, भाड़ में जाओ मरो सालों तुम। और पेरेंट्स कहते हैं क्या होगा इसका, क्या होगा, हम ऐसा करते हैं, हम नई फाइलें बनाते हैं, ये ना आतंकवादी बनेगा, वो बन जाता है, फिर बनता है वो आतंकवादी। हमें डेल्टा में फाइल अच्छी बनाने के लिए अपनी सोच को दिन भर में अच्छा करना पड़ेगा, जिससे हम रात में वही सोचे। आपको डेल्टा की फाइल बनाने के लिए दिन में अच्छी सोच रखनी पड़ेगी ताकि रात को फाइलें अच्छी बने। मुन्ना करने थोड़ी देगा, मुन्ना को डाइवर्ट कर भी नहीं सकते, मुन्ना मैं ही हूँ। मुन्ना को डाइवर्ट करने का मतलब तलवार निकाल के मैंने मुन्ना पे मार दी, खुद पे लगेगी। समझा तो सकते नहीं, वो कहेगा हेलो ओ मैं ज्यादा समझदार हूँ, कैसे होगा? दोस्ती करना सेटिंग करनी पड़ेगी, मुन्ना से सेटिंग करनी पड़ेगी। देखो मजे की प्रॉब्लम क्या है, एक प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है, ये थीटा से ही अल्फा बनता है, ये बाप है ये बेटा है, पर ये दूध है और ये घी है, ये 6% है, ये है कृष्ण ये है लीला। और लीला में क्या रखा उन्होंने, मारते साले का रथ का पहिया नीचे, मार साले को, गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, इससे विवाह कर लिया, राधा से प्रेम, कैसी अजीब अजीब बातें हैं, ये भी ऑन है ये भी ऑन है, सब साला ऑन है, फुल ब्रेन फुल पावर में चला हुआ है, पूरा ब्रेन लफड़ा गया है। ये 6% है, ये 12 इसे तो काबू कर ही नहीं सकते हम, कभी भी नहीं कर सकते, फिर क्या करना चाहिए? इसको चुपचाप बस देखो खत्म, ये इसी में सीधा हो जाता है, ये ऑब्जर्व करने से सीधा होता है, इसे हम साक्षी भाव कहते हैं, इसे अवेयरनेस बोलते हैं, इसे मेडिटेशन कहते हैं। क्या सोच रहे हो 24 घंटे साला, सारे टाइम पति अपनी पत्नी के साथ सारे टाइम बात नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसमें बताने को कुछ होता ही नहीं, और पत्नी सारे टाइम पति का खून पीती रहती, बताओ ना बताओ कुछ तो बताओ, वो कहता कहानी बनाता, तो फिर मैं कहानी बनाता हूँ, वो कहानी पकड़ी जाती है, फिर कहती झूठा है ये, मिनल सुन पति मेरा झूठा है, वो कॉपीज बननी शुरू होती है, फिर वो कहते हैं 5 साल में ये इतना बदल गए, बहन तूने बदला है, तूने ही बदला है, पुरुष तत्व है ही ऐसा जिसे कहता पता ही नहीं। अक्सर पुरुष क्या होते हैं, ये शब्द हम बोलते हैं, कुत्ता नर है, सांड नर है, मादा है गाय माता है, मादा है ठीक है, बकरी छोटी, मेढ़ा सींग निकाल रखे हैं, शेर गुर्राता है, शेरनी सिंपल, सबमिशन एक आक्रामक है एक सबमिसिव है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, इसमें कोई दो बात का राय नहीं है, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन कराती हैं, फिर कहती हैं 5 साल से, अब उसे क्यों खून पी रखा है कहानी बना, उसे पता ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं है तो मैं रानी बना के रखेगा, आप राजा बन गए, आप अमीर बन गए, आपको पता है आपकी धेला प्लानिंग थी, परमात्मा का हाथ है, अरबपति बन गए बड़ी मेहनत करी धेला करी, परमात्मा का हाथ है, और परमात्मा का हाथ तब था जब तुम्हें पता ही नहीं। अर्जुन के लिए बीबीसी वाले आ गए, हेलो मिस्टर अर्जुन आपका वॉर चल रहा है, 18 दिन का प्रोग्राम है, आप बताएंगे इंटरवल हो गया 9 डेज, आगे क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? बोला मोए के पतो, कान्हा से पूछो, कान्हा ने 2 लपड़ लगा के भगा दिए, कि सालों पता ही तो नहीं करना, जब पता ही नहीं तो कान्हा काम करेगा, हमें पता करना है, हे भगवान हमारे को पेपर पास करा दे, बस हो गया, शर्त रख ली, हो लिया पास। किसने कहा है पापा मुझे आशीर्वाद दो बैडमिंटन का मैच जीतूं, असली पापा वो कहता साले हार भी जी हार भी सी हार, आज तू बैडमिंटन का मैच हारेगा तो ऐसा हार होगी कि अगली बार बड़ी चीज भी हारेगा, तेरा सदमा नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, हार तो सिखाई नहीं, रोना पिटना सीखा। सारे टाइम लोग बॉस को कुड़ाते रहते हैं, एक बॉस होता है कंपनी में, एम्प्लॉय कहते हैं मेरे पास आते हैं लोग, कमीना है साला बॉस, मैं कहता हूँ यार क्या फाइलें बना रखी है इसने, ये पिटेगा साला, इसकी जॉब ही छूटेगी, नहीं तो खुद छोड़ाएगा, हम ही फाइल क्रिएट कर रहे हैं, वी आर द क्रिएटर्स, पर हम मानते नहीं।
इसलिए गुरु रखना पड़ता है। अब गुरु कैसे है? हम छानू किसी को सुनेगा? हाँ हम ही गुरु हैं, किसी की नहीं सुनते हम। कोई सिखा के तो दिखाए, और समझाने के लिए हम खुद शहनशाह हैं। हमारे अंदर अगर बैठ जाए ना 10 लोग, पता नहीं यार पेट में मरोड़े होती हैं। मैं बताता हूँ भाई, तू अजवाइन ले, उसको तो भून। दूसरा कहेगा अबे पागल साले काला नमक ले। 10 गुरु मिलेंगे। सिखाना सब चाहते हैं, सीखना एक भी नहीं चाहता। आपके जैसे जीवन से आप स्वयं दुखी हैं, द्रवित हैं, कष्ट में हैं, और आपके जैसा जीवन बहुत लोग जीना चाहते हैं, तड़प रहे हैं। बहुत लोग चाहते हैं यार काश ऐसी जिंदगी होती हमारी, असला हम तड़पे हुए, हम मर रहे हैं। कब सीखेंगे? हम सीखना ही नहीं चाहते। परमात्मा के पास फाइल ले जानी होती है, वो अपने आप जानता है। एक बहुत बड़े आश्रम के गुरुजी थे, 10,000 शिष्य, और वो रोज चुपचाप ऐसे बैठ जाते थे अचानक। तो शिष्य कहते थे गुरुजी का साधना का टाइम है, किसी भी टाइम कर लेते हैं, हम भी बैठ जाते हैं चुप। अच्छा, वो जैसा उनको सिखाया गया, थीटा में डाला गया, वो कहते थे ओम नमो शिवाय, ओम श्री रामाय नमः, ओम गणगणपते, जिसका जो मूड आए। अब देखा तो गुरुजी होठ ही नहीं बुदबुदाते, कुछ बोलते ही नहीं। तो कई महीनों के बाद शिष्यों ने कहा यार पूछे गुरुजी कौन सा जाप करते हैं। तो बोले गुरुजी आप क्या बोलते हो, कुछ बुदबुदाते हो, हमें तो दिखते भी नहीं होठ बुदबुदाते हुए। बोले अरे बेटा मैं कुछ नहीं करता। तो गुरुजी छुपा रहे आप, बहुत बड़ी बात है, पत्नियां भी यही कहती हैं, मैं बताते नहीं। बोले यार मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं, इस पे क्लास की हुई हमने, कुछ नहीं मीन्स नोथिंग, एम्प्टी स्पेस, 99% एम्प्टी स्पेस है, आप उसे खाली कर रहे हो, कचरा खाली कर रहे हो। नहीं एक्सप्लेन कर सकते कुछ नहीं को, पता नहीं, और कुछ नहीं नाम से क्लासेस जरूर देखिए, बहुत बड़ी चीज है सीख गए तो। बोले कुछ नहीं बेटा मैं कुछ नहीं करता। बोले कुछ तो करते हो गुरुजी। बेटा कुछ नहीं करता। गुरुजी सिखाओ, मौन में रहते हो, कुछ नहीं, ऐसे कुछ तो चलता होगा अंदर। बोले बेटा एक बार मैं घूम रहा था वन में, तो मैंने बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में एक भिखारी को देखा, कपड़े फटे हुए, हड्डियां ऐसी निकली हुई, दांत गिरने को तैयार, बाल गंदे, नहाने को पानी नहीं, खाने को दाना नहीं, कपड़ा तो फटा हुआ था ही। तो मैंने देखा भिखारी वहां खड़ा है चुपचाप। मैंने पूछा कि भाई क्यों खड़े हो? बोले यहां से राजा गुजरेगा। तो बोले राजा गुजरेगा? ओ, साधु महाराज ने कहा मैं पीछे को हो जाता हूँ, हमें क्या लेना देना राजा महाराजा से। मैं पीछे हो गया कि महाराज आ रहे हैं तो आए, हमें क्या लेना देना, पता लगा मुझसे आशीर्वाद के चक्कर में मन महल ले जाएगा। तो महाराज उसके पास आए, भिखारी के पास, बड़े अभिमान से, और रुक गए। बोले इंतजार कर रहे हैं भाई भिखारी कुछ बोलेगा। भिखारी कुछ नहीं बोला, चुप। महाराज ने कहा भाई भिखारी खड़े ही रहोगे क्या? चुप। अरे सम्राट तुम्हारे आगे आया भाई। चुप। बोले कैसे भिखारी हो, गूंगे हो क्या? चुप। बोले अरे मांग ले क्या चाहिए तुझे। तो भिखारी ने हाथ जोड़े और बोले नहीं महाराज मैं चलूंगा। सम्राट सन्न रह गया कि ये क्या क्या हो, ये क्या पागलपन है यार, ये क्या बात हुई। बोले और मैं हैरान रह गया कि जो भिखारी सम्राट के लिए खड़ा है, महाराज उसे 4 बार पूछ चुके हैं और वो बाद में कहता है महाराज कुछ नहीं मैं चला। बोले ये क्या, मैं हैरान हो गया। तो राजा ने कहा खबरदार रुक जाओ, सर कलम करवा दूंगा तुम्हारा। बोले महाराज और कर भी कह सकते हो आप। महाराज का घमंड चूर हो गया। बोले यार ये क्या कह दिया इसने। बोले नहीं तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले महाराज आप सम्राट ही नहीं हो, आप राजा ही नहीं हो। बोले ये कैसे, मेरे हालात देख कर, मेरी शक्ल देख, मेरे कपड़े देख, आपको खुद नहीं समझ मुझे क्या चाहिए होगा, तो आप कहाँ राजा हुए, मुझे अब भी आपसे मांगना पड़ेगा। राजा वो हुआ जिसे बिन मांगे देना आता हो। बोले इसलिए उस दिन से मेरे अंदर एक क्रांति आ गई कि मैं ईश्वर से मांगूं तो वो ईश्वर किस काम का। इसलिए मैंने मौन में जाना सीखा। ईश्वर से मांगना नहीं होता, जो फाइलें बन गई वो स्वतः चली जाती हैं। आपने इसके लिए जो फाइल दी वो तथास्तु करेगा। हम मूर्ख हैं, बाद में कहते हैं हे भगवान पैसा दे दे। क्यों नहीं है तेरे पास पैसा? तूने ऐसे क्या क्या मांग रखा उससे जो तेरे को पैसा नहीं दे रहा? कितना कूढ़ा पड़ा सड़ा हुआ है तू, जो तेरे शरीर में बीमारियां हैं, क्यों किया हुआ तूने ऐसा? क्यों नहीं तू प्रेम भेजता? क्यों नहीं तू फॉरगिव करता? क्यों नहीं तू फॉरगेट करता? तेरा पेट खराब है, तेरा सिर खराब है, तेरा पैर खराब है, तेरे शरीर में जान नहीं, तेरी हड्डियां चटकी हुई हैं। कहीं ना कहीं तुमने अपने आसपास वो फाइलें ही नहीं बनाई, ईश्वर से मांगना ही नहीं आया। क्यों? जजमेंट कर रखी है हमने, क्योंकि हमने तो फैसला कर रखा है, हमने तो राय बना रखी है, हमारे तो पक्के विचार है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, और वही हो रहा है, लेते चलो। जब तक ब्रेन की वेव को गामा से तोड़कर अल्फा तक लाना नहीं सीखोगे, कुछ नहीं हो सकता। जब तक सीखोगे नहीं कि किसी से सीखा जा सकता है, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक छोड़ना नहीं सीखोगे, सिखाने वाला भी नहीं मिलेगा। सारे जो गलत फाइलें बना रखी हैं, अब उनको फिर ब्लू बैग में डाल के फेंकते रहे, क्या करें? जो गलत फाइलें बना रखी हैं, कब बनाई थी? जो पुराने संस्कार हैं, जो याद ही नहीं आ रहे, मतलब हमने... मतलब कब बनाए थे? पता नहीं। तो पता ही नहीं तो उसका पता क्यों करना चाहते हो? वो फाइलें क्यों रखी हुई हैं? क्योंकि आज से अपने जीवन में जो घट गया, उन फाइलों को उठा के कूड़ेदान में नहीं डाल सकते, कि जो हो गया हो गया।
आज से खत्म हो गया ना, आपका मन आज से बड़ा पवित्र हो गया, आज से आप चाहते हो दुनिया की सेवा करूं, आज तक आप चोरी करते थे, तो क्या आप बदल नहीं सकते? आप बदल गए हो, लेकिन हर कोई यही लेके चल रहा है चोर था तू, आपका कर्म बता देगा, आप बदलो ना, पर पुराने पास्ट को क्यों घसीट के बैठे हो, पास्ट को क्यों नहीं खत्म कर सकते? आपके जीवन में कभी फाइलें नहीं बनेंगी, खत्म कर दो ना आज से कि यार जो भाई ने किया मजबूर था यार, वो हम कौन होते हैं जज करने वाले, उसने हमें क्यों ठगा, खत्म करो यार, उसकी मजबूरी नहीं होगी बाप की, उसने छोटे भाई को ज्यादा दे दिया बड़े को नहीं दिया, खत्म करो यार, पता नहीं माँ कितनी मजबूर थी जिसने हमारे साथ ऐसे गलत किया, सब इंसान मजबूरी में करते हैं, पता नहीं मेरी पत्नी की क्या मजबूरी है, मेरे भाई की क्या मजबूरी है, पता नहीं साला प्रारब्ध ही ऐसा करता है कि मेरा पति ऐसा काम कर देता है, छोड़ दो, कुछ सोच ऐसी है जिसको हम जो सोच आपने सोच लिए कि ऐसा ही होगा, आज से उन सोचों को लेके चलो कि ये सारी सोचें मैंने इस पे छोड़ी, पसंद करो हनुमान की मूर्ति, राम की मूर्ति, कृष्ण की, कौन सा पसंद है, टीले वाला बाबा कोई तो करो, उस पे छोड़ो ना, मुझ पे छोड़ दो, किसी पे छोड़ो, आपको छोड़नी है, आपका वजन लेने को कौन तैयार है? मैंने पीछे किसी को बोला विल बनवानी है, बोले वो हम बिजी हैं, फिर पता किया क्यों, बोले अगर मरमरा गए तो फिर कोर्ट से इनको समन आता है, तुम आओ, कोई नहीं आना चाहता, छोड़ भी नहीं सकते सब पे, कोई लेके भी राजी नहीं वजन हमारा, तो कोई मिल जाए फटाफट छोड़ दो, कूड़ेदान बना दो उसका, मंगाओ जी डस्टबिन, हम तो अपनी डालते ही जाएंगे, रखा यार अभी बनाते हैं बड़ा सा डस्टबिन, घर के नॉर्थ वेस्ट में कार्डबोर्ड बॉक्स रखा करो, उसको डस्टबिन बनाओ, पहले भी बताया हुआ है, वो भी कर सकते हैं, बाकी छोड़ोगे नहीं, वही फाइलें बन रही हैं, वही होता है, फिर लोग कहते हैं पिछले 20 साल से ये चीज ठीक नहीं हुई, कहां से होगी, गुरु ढूंढो, गुरु 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 ढूंढेगा हमें, हम नहीं ढूंढ सकते, शिष्य बनो, मेरे पास तो सारे आए, मेरा क्या, नहीं, वाले हो तो। और मैं तो वैसे ही ताड़ के पेड़ पे चढ़ा हूं, मेरा क्या, और यार ये तो ये सानी साहब मेरे को बाबा घंटाल बोल दे तो इसमें क्या, एक तो मुझे बदलने नहीं देते, मैं चेंज होना चाहता हूँ, मैं करूँ क्या, हम तो आपको मांग रहे हैं, आने बताओ जी, क्वेश्चन आंसर खेले, दी एंड करेंगे, सर जब भाग्य में नहीं लिखा किसी की चीज कोई तो सोचने से उसके बारे में हमें मिल सकता है, भाग्य में यदि कोई, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भाग्य में यदि कोई चीज नहीं लिखी तो क्या उसके बारे में सोचने से हमें मिल सकता है, हमने सोचा ही यही हुआ है, ये कहाँ मिलेगा यार, भाग्य लिखो ना 12% के अलावा लिखो, अभी लिखो, सोचो हाँ, लेकिन मुन्ना महाराज जाते हैं ईश्वर के पास, हेलो ये मैंने लिखा नहीं हुआ, बोले तो कोई बात नहीं, वो उधर वर्मा जी रहते हैं, उनके भाग में है, उनको भेज देंगे, उनसे दिला देंगे, कितना सिंपल है, आप भैया वो चने की दाल है, नहीं वो जैन स्टोर से ले लो, वहां मिलेगी, जैन स्टोर पे चले जाओ, मिल गई, दूसरे से मिलेगी, आपके भाग में जो नहीं है दूसरे से मिलेगा, दूसरे से लो, किस से लोगे, आप दाल मिल गई उसे पचा पाओगे नहीं पचा पाओगे ये आपका स्यापा ही नहीं है, ये भी वर्मा जी डिसाइड करेंगे जहां से लाओ, जैन स्टोर डिसाइड करेगा, आपका मतलब इससे है कि मुझे दाल मिल गई कृपा है, बाद में आपको हाय पचेगी कैसे, अब नहीं पचेगी, आप कहां, आप बीच रस्ते में होते कौन हो जज करने वाले, आपसे सीखे हुए ज्ञान की रिपीट कर रहा हूं कि भी हम 12% का क्वांटम बढ़ा देंगे पर भोग नहीं पाएंगे उसको, बढ़ तो जाएगा, जीवन में बहुत प्यारी बात है, भोग नहीं पाएंगे, आप अपने जीवन में धन होता है भोग क्यों नहीं पाते पता है, बड़ा सिंपल जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आप मोल भाव करते हो दूसरे से, मोल भाव करते हो, मोल भाव मत करो जीवन में, धन का भोग बढ़ जाएगा, आप धन का मोल भाव करते हो, केले कैसे दिए भैया ये 24 रुपए दर्जन, 20 रुपए देंगे भैया, 4 रुपए की ऊर्जा में आप अपने धन को भोग नहीं पाओगे क्योंकि आपने उसके 4 रुपए का धन भोगने नहीं दिया, मोल भाव मत करो जीवन में, धन का भोग बढ़ जाएगा, एक्सेप्टेबल जो नहीं है, क्लास देखें आप, एक्सेप्टेंस एंड एडजस्टमेंट आप कर भी चुके हैं फिर भी देखें दोबारा, एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है धूप उखाड़ लो सूरज का क्या उखाड़ोगे, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है ठंड पहाड़ तोड़ लो बर्फ उखाड़ लो, कौन से प्रश्न, 50 रुपए ये समझो आपके लिए 50 और 60 की बात हो रही है, उसके लिए 50 रुपए और रोटी है, आप उसके कितने बड़े दुख और सुख के बीच इंटरफेरेंस कर रहे हो, अमीर आदमी की रोटी क्यों छिनती है, उसने गरीब की रोटी छीनी है, मुन्ना टिट फॉर टैट देखता है, वो ये नहीं देखता 50 रुपए, जो 50 रुपया रिक्शे वाले के लिए महत्वपूर्ण है वो अमीर आदमी के लिए 5 लाख है, इसलिए उसे 50 रुपए की बैंडेज होती है, उसके लिए 5 लाख का ऑपरेशन, ये ऊर्जा है, 50 रुपए नहीं, बोल भाव करो ही मत, देखो भोग कैसे होता है, पत्नी को भक्त बनाना, रोको ही मत टोको ही मत, प्रेम नहीं भक्त, पागल नहीं होती स्त्री, सबकल होती है उसे, वो सब देखेगी यार धरती पे कैसा आदमी मिला है मुझे,
प्रेम खत्म करना, पत्नी से टोकते रहो, रोकते रहो, बोलते रहो कहाँ जा रही है तू, क्या कर रही है, किससे बात कर रही थी, वो रद्दी वाला घर में को बुला रखा था, अखबार वाले से बढ़ा के बात करती है, देखो आप में क्या सुइयां सुइयां डाल के देगी आलू में परोके। मोल भाव नहीं किया, लेकिन अगर सामने केले आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो केले देख ही क्यों रहे हो, दिख रहे हैं ना वो तो? नहीं मुन्ना परमात्मा पे छोड़ो, मुन्ना का रोल 12%, जिस दिन मुन्ना को आपने पहचानना अलग से सीन लिया देख लिया, उस दिन से मुन्ना केले फ्री दिलवाएगा, यही तो पॉइंट है, कुछ और ही बात कर रहा हूं मैं ये प्रश्न ही नहीं आएगा। ईगो भी है, आंसर आपने स्वयं दे दिया, इसका उत्तर नहीं मेरे पास, इसका उत्तर नहीं मेरे पास, ईगो है तो मैं क्या करूं, मैं नीचे आके जवाब क्यों दूं, ईगो का मतलब वो शट विकार तो हमसे अलग हो ही नहीं सकते, उसको कहां कौन से चक्कू से काटूं, क्यों काटने, वो तो चाहिए होते हैं, तमस तो चाहिए हमें, थोड़ी थोड़ी है, कौन नापेगा कितनी चाहिए, जितनी है पड़ी रहे, परवाही नहीं, बस हो गई उतनी अपने आप चलेगी, ये ऑटो में ऑटो पायलट पे डालो सब, करने के चक्कर में मत रहो, करना नहीं है निष्काम कर्म, ये भी क्लास की हुई देखना, जब बदलोगे दिखने बंद हो जाएंगे, घर में इतने पड़े होंगे आपको के रच गए यार बर्फी खाएगा के पागल हो गया, मैं नहीं खाऊंगा, यही तो कॉस्मोस चमत्कार करता है, आप लॉजिक लॉजिक खेल रहे हो, 1+1=2 होगा, कॉस्मोस 1+1 को 11 कर देगा, जीवन विचित्र है, 2 घंटे की मेहनत में लोग अरबपति बन जाते हैं और 20 घंटे की मेहनत में कंगले, ये विचित्र है, इसे लीला कहते हैं, थर्ड आई के खेल है ये। हाँ जी नेक्स्ट। भैया मेरे अपने पति के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बोलने से पहले एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, लेकिन मेरे परिवार के लोग या इनके उन्हें हमारी बॉन्डिंग पसंद नहीं है, मुझे चेली कहते हैं, मुझे चेली कहते हैं। आपके परिवार के लोग आपको क्या कहते हैं, आपके साथ आपको ये पक्का पता है, पक्की राय है, आपका पक्का फैसला है कि वो हमसे जलते हैं, वो ये पसंद नहीं करते, ये आपने एक और राय बना ली है, इसको भी मत सोचो, परमानेंटली वो ऐसे ही सोचते रहेंगे, ये फाइल मत बनाओ कि मेरे बारे में तो ये ऐसे ही सोचते, मैं चेली हूँ, होती रहो, पति के साथ अपनी लाइफ अच्छी रखो, पति के साथ अच्छी लाइफ रखने के लिए उसके साथ अच्छे बेड कम्फर्ट्स रखो, देखो कि आपको और उसको नींद अच्छी आती है, काम खत्म, लाइफ अपने आप ठीक रहेगी, पति को जेब में रखो, भाड़ में जाए परिवार वाले, यदि वो उस पति से प्रेम करते हैं और उसको सुखी देखना चाहते हैं तो प्रसन्न रहेंगे। मेरे पास घर में कुछ लोग आए, खूब गप्पे मारी, खेले कूदे, खूब हाय हाँ हु ही, मेरी मदर साथ वाले रूम में सो नहीं पाई, रात 11 बजे तक आ जाती, नींद 11:30 बज गए, तो मैंने बोला मम्मी डिस्टर्ब होंगे रात को, बोले नहीं तू खुश था, खत्म, तेरे को खुश देख लिया बेटा, आप मैं तेरे को कहाँ बार बार खुश देखूंगी, तो प्रसन्न होता है, बढ़िया, आप और आपके पति खुश हैं, खत्म बात ना, खत्म हो गई ना, किन चक्रों में लगे हुए हो, धन को मत कोसो, आएगा नहीं, ऐश करो, इसीलिए तो कमीनों के पास धन क्यों आ जाता है यार, उनसे प्यार करते हैं, अंधाधुन वासना रखते हैं, प्रेमी होते हैं, पागल होते हैं, धन कहता हाँ यह स्वागत है मेरा, क्यों लड़की ड्राइवर के साथ भाग जाती है, क्योंकि ड्राइवर उसके साथ इतना प्रेम दिखा, फैक्ट है ये, ये अजीब से किस्से हैं, एक लड़की ड्राइवर के साथ भाग गई, पैसे वाले की बेटी ड्राइवर तनख्वाह लेता है 13,000 का, तो वो जूता पहनती है 13,000 की तनख्वाह वाले ड्राइवर के साथ भाग गई, क्यों, क्योंकि इस लड़की को बाप भी गाली बकता है, माँ भी डांट टपट के चलती है, बड़ी बहन भी कहती है ओए कहाँ साथ सवर के जा रही है, सिर्फ ड्राइवर ही कहता है आप कितने अच्छे हो, किसने आकर्षण दिया जीवन में, जिसके साथ अच्छी फाइल खोली वो तो मिलेगा ही, हमने फाइल ही खराब खोल रखी, क्या नेक्स्ट है जी। सर बीटा ब्रेन क्या रजोगुण है? बीटा ब्रेन रजोगुण है सर, इसमें क्वेश्चन पूछा है भैया हाउ टू बी अ बेटर अर्जुन, हाउ टू बी अ बेटर अर्जुन, अर्जुन का बेटर भी होता है, अर्जुन का मतलब है कि आप ना बेटर है ना बेस्ट है ना नॉनसेंस है ना यूजलेस है, आप समाप्त है, अर्जुन का एक ही अर्थ है नो क्वेश्चंस, नहीं पहले पहले ये बताओ, पहले वो बताओ, पत्नी अर्जुन बनती है, प्रेम करता है कृष्ण मिलता है उसे पति में, वो पहले तो क्वेश्चन आंसर खेलती है, ये लो 20 questions, ये रहा पहला प्रश्न आपका 1,000 रुपए के लिए, ये रहा आपका 17वां प्रश्न, अगर ये गलत दिया तो 3,40,000 लेके फुट फुट मार के बाहर निकाल दूंगी, क्या खेल रहे हो, कृष्ण चाहिए क्वेश्चंस खत्म कर दो जीवन से, आप अर्जुन हो गए, गुरु चाहिए प्रश्न समाप्त कर दो, जितने प्रश्न समर्पित कर दो, झुकना आता है, खेल झुकने का है, करोड़पति बनना है सिखा देगा कोई भी, सीखना चाहते हो, सीखना चाहते नहीं, हम कहते हैं हेलो, मुझे कहते हैं लोग बातचीत होती है फोन पे, कंसल्टेशन करनी है, अब तो सत्यवान भी बिगड़ गया, तो वो कहते हैं सर बात कब करेंगे, एक टुक आधा टुक जब उनको फुर्सत होगी जी कर लेंगे, वो मुझे कहते हैं सर ये तमीज से बात नहीं कर सकते
मैंने कहा शुक्र मनाओ मैंने नहीं की, मेरे पे टाइम नहीं, मैं कहां से करूं, मैं खुद ही इतने अहंकार में बैठा हूं, फुर्सत नाम की चीज नहीं, और होती है तो टीवी देखो एंजॉय करो, मैं कब बात करूं, तुम दुखी हो, सारे दुखी हैं, मैं भी दुखी हूं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं कहां से करूं यार, जब फुर्सत मिलेगी। अच्छा कुछ लोग लड़ बैठते हैं दो दिन बाद, 1000 रुपए दिए हैं पैसे, ओ यार 1000 रुपए बता दिए मैंने, कम बता दिए, चलो कोई नहीं पैसे दिए हमने, कब बताएंगे वो, तो पहले बता रखा मैं, वापस कर दो 1000 रुपए, वापस चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं हम इंतजार करेंगे कयामत तक, हाय। अरे तो करो ना, फुर्सत तो आने दो, 1000 रुपए दे खरीद लिया, मैं तुम्हारा अर्जुन बना के छोड़ूंगा। ये बात है, फिर तो सत्यवान यही है कि ताड़ पे है, मुझे तो घमंड के मारे हवा में दिख रहा है। हरिद्वार ना चले जाऊं कुर्सी पेटी छोड़ के सत्यवान के लिए, अब तो यही करना पड़ेगा, सत्यवान पीछे लफड़ा तो यही है। हाँ जी सर, गुरु जी मेरे पापा ने अपने दिमाग में UPSC का पहाड़ बनाया हुआ है मेरे लिए, जो मेरे बस का नहीं है, मेरे पापा से बात करने का मन नहीं करता, मेरे जीवन नर्क बन गया है और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मुझसे UPSC नहीं हुआ तो मेरे पापा पागल होकर मर जाएंगे, मैं क्या करूँ गुरु? चलो बड़ा प्यारा प्रश्न है बेटा, सबसे पहले तो अपने पिता को ना तुम्हें प्रेम भेजना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा, एक प्रेयर है हमने लिखी है, अच्छा याद दिलाया, वो बनाई थी, उस प्रेयर को करेंगे, ये प्रेयर रोज किया कीजिए, मेरे तो यही प्रार्थना है सबसे कि आपके जीवन में अट्रैक्ट कैसे करनी है हमें प्रसन्नता, वो चैनल वो पाइपलाइन कैसे खोलना है, ये मत पूछना कैसे होगा, फिर वो आप वहीं आ गए, छोड़ दो, मैंने कह दिया तो छोड़ दो, मैंने करके कह दिया है, सोच लो। तो आपके जीवन में आपके पिता को आपसे नफरत होगी, होगी, आपने ये फैसला कर लिया, जजमेंट कर लिया कि मेरे पिता को मुझसे नफरत होगी, मेरे पिता मर जाएंगे, ये फाइलें बनानी बंद कर दो, और आप UPSC नहीं करना चाहते, नहीं करोगे मत करो, फेल हो जाना कोई बात नहीं, जीवन में फेलियर सीख लो। ऐसे होते हैं कई पिता जो बच्चों का खून पी जाते हैं, कई पति होते हैं पत्नियों का खून पी जाते हैं, कई बच्चे होते हैं जो माँ का खून पी जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, प्रारब्ध है, 12% वाली ब्रेन पे फंसे हो, थीटा पे हो, इससे ऊपर उठो, जब तक यहाँ रहोगे आपके पिता 4 साल से जो कर रहे हैं वो 40 साल तक करते रहेंगे, अब इससे ऊपर उठना है, इससे उठ के यहाँ चले जाओ, कुछ और कर लो, या भाग जाओ घर से, या यहाँ आ सकते हो ईश्वर पे, सीधा सोचो और यार बाप का दिमाग खराब हो रहा पागल साला होता रहे, अब जो होएगा सो होएगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मैंने अभी किस्सा बताया, एक लड़का आया जो काम नहीं कर पाता था, नौकरी छूटती थी, जब जब वो मेरे पास आया, क्यों छूटती है, मैंने कहा जब जब तू बीवी पे शक करता है, कलेश करता है, झगड़ा करता है ना उसकी नौकरी पे, टैं 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 करता है, तेरे अंदर पहले वाइब्रेशन बनती है, ये नौकरी करती है, नौकरी छूट जाए इसकी खराब हो जाए तेरी पहले छूटती है, वो फाइल साइन हो जाती है नौकरी छूटने की, तेरी छूट जाती है, शक करना बंद कर दे उस पर। हालांकि वो कर नहीं पाया इसलिए अभी भी बेरोजगार है, पॉइंट वो नहीं है, पर आपकी फाइलें साइन हो रही हैं, पिता का क्या होगा नहीं होगा खत्म, दफा ईश्वर पे छोड़ो, बुरी चीज का तो भजन ही नहीं करना, ठीक नहीं हो रहा तकलीफ होएगी यार, होएगी साला, देखी जाएगी 70 साल में, हो जाएगी साला, नेगेटिव तो सोचना नहीं, एक बड़ी सादी कमांड है, कैसे करें, काम नहीं हो रहा, अरे मुश्किल से हो जाएगा ना, तो सवाल ही, ये तो 12% को तो तोड़ दो, ये तो ऊपर जाओ, नहीं तो उसी में जियोगे उसी में मर जाओगे, आने दो जी, ठोको ताली। जो होगा देखा जाएगा, और रिजल्ट से डिटैच होना हाईएस्ट फॉर्म होता है, या जो हम कर सकते हैं उसके भी ऊपर कोई ज्यादा पावरफुल थॉट हो सकता है? आप इसके लिए क्लास देख लो इसी नाम से, जो होना होकर रहेगा, बहुत लंबी बात है, उसी पे क्लियर हो जाएगा। हम गैत करते गलती, हम गलती करते हुए भी कई बार पहचान जाते हैं कि गलती कर रहे हैं, फिर भी वो गलती करनी पड़ती है, ऐसा क्यों है, एंड शुड वी स्टॉप मेकिंग दैट मिस्टेक? गलती करते हुए अगर आपको पता चल रहा है कि आप गलती कर रहे हैं लेकिन कर भी रहे हैं, तो अगली बार के लिए उससे क्षमा करो, प्रेम भेजो, प्रेम ऑन करो कि इस गलती के प्रति प्रेम डालते हैं हम, और कोई बात नहीं, अब हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, हो गई, हम बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं, हमसे गलती हुई थी भुला दो ना, खत्म कर दो ना, पर आपसे जो गलती हुई थी वो नहीं भूलूंगी, भुला दो ना, खत्म कर दो ना, खत्म, दी एंड, पास्ट की किताब को मत रखो, पास्ट के इंप्रेशंस ये हैं, पास्ट में ऐसा था, इस किताब को फेंक दो, यही हो रहा है, यही होता रहेगा, पूरा जन्म ऐसे ही कट जाएगा, पास्ट को फेंक दो ना, पास्ट की आइडेंटिटी रखने की जरूरत क्या है, आप बदल गए, जीवन बदल गया।
आपने कहा है कि जो सोचते हैं वही होता है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता जैसे कि मेरे पास ऐसी गाड़ी हो या इतना पैसा हो, तो क्या ये ठीक है या सोचना चाहिए? इन्होंने कहा है कि मैं सोचता नहीं कुछ भी कि गाड़ी हो, ऐसा हो, पैसा हो, फलाना ढिमकाना, तो क्या ये सोचना चाहिए? मर्जी है, प्रारब्ध में लिखी होगी तो आ जाएगी, अगर जरूरत नहीं तो ठीक है। जैसे मेरे पास हमेशा एक डायलॉग रहता है, मैं ऑलरेडी बतेरा फेमस हूँ, क्या करना है? जिस दिन मैंने सोच लिया मुझे और फेमस होना है, मिलूंगा नहीं, क्लास खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये प्रकृति कर देगी, ये कोई घमंड की बात नहीं है, इतना भी तो उसने दिया है तो। पर हमेशा मेरा ये रहा है, बतेरा है यार। सर गुरुजी, अगर संस्कार में टेंशन है तो उसको करेक्ट कैसे करें? संस्कार में टेंशन है उसे करेक्ट कैसे करें? कुछ नहीं, टेंशन है यहाँ तो संस्कार में रहेगी रहेगी। अब जो जो टेंशन जब जब होती है, सीधा सोचो देखेंगे ईश्वर पे छोड़ा, खत्म, बाईपास करो इसको। सड़क पे गड्ढा है, जलंधर जा रहे हैं, गड्ढा तो है ही, दाएं बाएं से टायर निकालो, नहीं तो गड्ढे में धीरे से उतरो फिर निकल जाओ, खत्म। गड्ढे को ऑब्जर्व करो, दिख जाएगा, क्लियर हो जाएगा। गुरु जी, माँ बाप जबरदस्ती पूजा करने के लिए करते हैं, मतलब पूजा करने के लिए कहते हैं, तो क्या करें? माँ बाप जबरदस्ती पूजा करने के लिए कहते हैं तो क्या करें? पूजा को कॉल लगाओ, बैठ जाओ, पूजा करो मत ना, बॉडी ले जाके बिठा दो, माँ बाप की तसल्ली हो गई, कर लो ना, हरे राम और यहाँ पूजा के बारे में सोचते रहो। देखो अंदर थोड़ी नहीं, इन्होंने एक्सरे लगा रखे हैं, कोई टेंशन है? उनकी आग लगी संतुष्टि कराते रहो, कितना सिंपल है। और जब अपने इस लायक हो जाओ उस दिन कह दो हेलो पापा, हेलो मम्मी, दफा हो जाओ। बीटा और अल्फा पे भी घर छोड़ सकते हैं, अल्फा पे रहने वाला कभी किसी चीज को छोड़ता ही नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेता है, ये भी ठीक है, ऐसी बीवी भी ठीक है, ऐसा भाई भी ठीक है, ऐसा पति भी ठीक है, ऐसी माँ भी ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक ही है। मैं तो बेस्ट हूँ, कमाल है, खुद को तो कुढ़ाना ही कोसना नहीं, फाइल तो बनानी नहीं ना खराब किसी की भी, अपनी भी नहीं बनानी। हाँ जी सर, आपके उत्तर सुन भी नहीं पाते, बीच में टोकते हैं, तो क्या ये ज्ञान की कमी है या ज्ञान की अति? जो लोग बीच में टोकते हैं कि वो उत्तर सुन भी नहीं पाते, सुनने भी नहीं देते लोगों को, तो बंदूक अरेंज करेंगे नेक्स्ट टाइम से, इसका कोई इलाज नहीं है। ज्ञान की कमी और ज्ञान की अति नहीं है, सेल्फ इम्प्रेस्ड है, बोल लेना कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं। नहीं पूछेंगे तो आगे कैसे? मेरी तो मनाई है ही नहीं, पर ये सेल्फ इम्प्रेस्ड फीलिंग है। अब मजे की बात है, जो सेल्फ इम्प्रेस्ड है उसको स्वयं पता ही नहीं वो ऐसा है, इसलिए वो ऐसा करेगा ही, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, क्या कर सकते हैं? कंफ्यूजन होती ही सेल्फ इम्प्रेस्ड ब्रेन को है, क्योंकि क्योंकि अर्जुन ने जो क्लैरिफिकेशन है, अर्जुन ने 700 श्लोक तक क्लैरिफाई किया, फिर उसको छोड़ना ही पड़ा कि मैं छोड़ ही देता हूँ, कितना क्लैरिफाई करेंगे? गीता में अर्जुन ने दिए, कृष्ण ने नहीं। कृष्ण जी तो कहते चल युद्ध कर, अर्जुन अगर गुड्डा होता कहता ओके बॉस शुरू, उसने कहा मैं पहले भाई अच्छे से तरी वरी चेक करूंगा, छोले का एक दाना सेट, 700 श्लोक खेला वो। क्षुधा शांत करो, मैं तो मना ही नहीं करता, मैं तो कहता हूँ बोलो, इसलिए इंटरफेरेंस नाम की चीज ही नहीं है मेरे साथ, कोई कोई कितना ही इंटरफेयर कर रहा है, वो इंटरफेयर है ही नहीं, वो उसकी अपनी आग लगी बैठी, क्या करें भाई। बड़ी सिंपल बात होती है, हम स्कूटी लेके निकले ऑफिस से, बीवी ने कहा 2 किलो प्याज, 3 किलो टिंडे और 1 किलो भिंडी ले आना। अब हम घर के लिए चल पड़े, देखा तो रेड लाइट के ऊपर हमारे लेफ्ट वाली साइड पे बड़ी सुंदर महिला स्कूटी पे बैठी है। अब भाड़ में गए भिंडी टिंडे, हम पता लगा उसके पीछे स्कूटी लगा के घूम गए। अब बीच रास्ते में, अब हमारा थोड़ी कसूर है, हाथ अपने आप मुड़ गए, अब उसको घर तक छोड़ के आए, वहां जाके पता चला टिंडे भिंडी, फिर लगा यार ये क्या हुआ, फिर उसका मोहल्ले का एड्रेस लिया, आधा घंटा 1 घंटा और लेट हो गया। बीवी ने कलेश मचाया, क्यों? बोले अरे फलाने मोहल्ले का था, वहां के टिंडे, क्या टिंडे, अगली बार वहीं से लाऊंगा। तो ये तो नॉर्मल चीज है जीवन की, उत्सुकता होना बहुत सुंदर बात है। आखिरी दो क्वेश्चन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सर गुरुजी, मेरे दोनों बच्चे खुद एक्सपीरियंस करके चीजों को मानना चाहते हैं, हमें उनके उन्हें समझाना बंद कर दें? उनका कहना है वो आपका एक्सपीरियंस है, क्या हम उन्हें समझाना बंद कर दें? भाई अपने बच्चों को समझाना बंद कर दें, कर ही दो, क्योंकि आप जो समझदार इंसान ये सोच रहा है मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, वो समझा कहाँ से रहा है बच्चों को, पहले ये जाने इस खोपड़े से। और ये खोपड़ा क्या समझा रहा है, जो इतनी समझ उसे है, इसके आगे की तो समझ ही नहीं है। आप पहले ये बात करें, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि क्या आपको अपने बच्चे की तरह कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है? नहीं आता, गारंटी है। इसका मतलब वो आपका ब्रेन बाईपास कर चुका है, वो आपसे ज़्यादा जानता है, इसलिए उसको अपने ब्रेन से धक्के खाने दो। जब उसका ब्रेन थकेगा और उत्तर नहीं मिलेगा, तो उसके पास कम से कम ये फ्रीडम रहेगी, यार मैं पापा से ना पूछ लूँ, मम्मी से ना पूछ लूँ। जो पापा और मम्मी से पूछने से डरते हैं वो कौन है? वो कहते हैं अभी खून पी जाएंगे, अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया ना, ये 150 का आंकड़ा मार देंगे मेरे मुंह पे, मैं जाता ही नहीं यार, पड़ोस वाले अंकल से पूछ लेता हूँ, सहेली को फ़ोन कर लेता हूँ,
ये मुद्दा हो जाता है। तो पेरेंट्स छोड़ते क्यों नहीं? हम कुत्ते के बच्चे थोड़ी हैं जो पट्टा बांध के चलेंगे, हम इंसान के बच्चे हैं। हमारे यहाँ पट्टा नहीं बनता, कुत्ते को बांधा जाता है, एक्चुअली बांधना पड़ता है। तो इंसान के बच्चों को पट्टा क्यों बांध रखा है? ऊर्जा का पट्टा बांध रखा है, बीवी पे बांध रखा है, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, पति पति पे बांध देती हैं औरतें, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कितनी देर के लगे थे, कैं 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 कौन कहाँ 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 किरण। बस सर लास्ट क्वेश्चन है, जब अल्फाज में जाते हैं, जाते समय नींद कम आती है तो दादाजी कैसे काम करते हैं? अल्फा में जाते समय नींद कम आती है तो दादाजी कैसे काम करते हैं? अल्फा मीन्स अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स धरती से कनेक्शन। इसमें नींद का कोई लेना देना ही नहीं है, इसमें नींद का लेना देना है। इस ब्रेन की स्पीड पे 7 से 14 हर्ट्ज पे आप सोएंगे थोड़ी, ये तो सोने की ब्रेन हर्ट्ज है ही नहीं, ये है सोने की ब्रेन हर्ट्ज 0.5 से 4, ये 4 to 7 है, इस पे सोएंगे थोड़ी। प्रेयर रह गई है, प्रेयर बता दो। प्रेयर, प्रेयर की, प्लेयर की, प्लेयर, प्रेयर, प्रेयर। धरती नहीं, वॉटर है, ये एक छोटी सी प्रेयर है जी। अपने जीवन में हम इसको अवतरित करेंगे और मानसिक रूप से ये नई कमांड्स लेके चलेंगे। जीवन के सत्य को हमें समझना, जानना, मानना और लगातार पूजना है, इसको लगातार जीवन के अंदर अवतरित करना है, मन को शांत करते हुए अल्फा को अचीव करना है। ये प्रेयर आपकी अल्फा ऑन करती है, सिंपल। अल्फा को ऑन करने का बड़ा सादा दूसरा तरीका है, इतना सा कि ये पांचों उंगलियां जोड़ दें अल्फा ऑन, सिर्फ इतने से, इतने सिंपल कार्य से अल्फा ऑन होता है। इसीलिए इसको हमारे सनातन धर्म में नमस्कार मुद्रा कहा गया है, नमस्कार। इतने में ही हृदय चक्र के दोनों एक्सटेंशंस फेदर्स हमारे जुड़ जाते हैं और अल्फा ब्रेन ऑन हो जाता है। अल्फा मींस शांति, पीस। इसके लिए सीधा सा है जी, ओम। जो अज्ञात शक्ति मेरी सांसें चला रही है, मेरे बाल व नाखून बढ़ा रही है, जो मेरे जीवन को खे रही है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जिसकी वजह से हम सभी जीवित हैं, उसे मैं प्रणाम करता हूँ। सबका जीवन वही चला रही है, मुझे हक ही नहीं चिंता का, चिंता की वाइब्रेशन ऑन नहीं करनी। मैं षड विकारों के कारण उससे संपर्क नहीं तोड़ूंगा। प्रेम, क्षमा व शांति, प्रेम, क्षमा व शांति, प्रेम, क्षमा व शांति। मात्र ये शब्द, मुझे चाहिए नहीं चाहिए ये नहीं, सिर्फ शब्द झंकृत करने हैं। अगर आपने बोला मुझे प्रेम चाहिए, दादाजी मैसेज लेंगे चंगू मंगू पिंगू क्लास में है कि प्रेम नहीं है इसका मतलब, और उसी पे फाइल बन के ठप्पा लग जाएगा प्रेम और गायब। ये शब्द बड़े ध्यान से पिरो के चुन के चलने हैं। मात्र बोलना, अगर आप किसी को कुत्ता बोल रहे हैं तो इसमें क्लैरिटी है ही नहीं कि अच्छा बोला बुरा, बस कुत्ता बोला काफी है, भौंकना शुरू ऑटोमेटिक। इसलिए प्रेम, क्षमा, शांति, प्रेम, क्षमा, शांति। हम क्या भजन कर रहे हैं, हाय ये नहीं बन रहा, हाय वो नहीं बन रहा, हाय कैसे करें, नो, खत्म। अल्फा ऑन करना ही पड़ेगा। दिन में कई बार सरस्वती मुंह पे आ जाती है, ये बड़े बड़े संत महात्माओं के लगातार क्यों रहती है? आशीर्वाद देने से ही जादू कर देते हैं वो, क्योंकि उनको अल्फा की पकड़ है, काम हो जाता है। छोड़ना सीखो, गुरु रख लो, किराए पे रख लो, हर हालत में काम होंगे। टेम्परेरीली भगवान से सौदा कभी मत करो, आपसे आपका भाई सौदा करेगा, मामा करेगा, चाचा करेगा। आप जब सौदा करोगे ना, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे भाई गुरु, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, भगवान कहता है सौदे पे दे दूंगा बेटा, फिर तेरे से सौदा ही लूंगा। उसका पैटर्न आपने बना लिया है, फिर जब वो आपसे लेन देन करता है आपको अच्छा नहीं लगता। छोड़ना सीखो। बदला लेते हैं हम अपने पति से, अपनी पत्नी से बदला लेने बैठ जाते हैं, वो बदला पहले हमारे अंदर भरता है, फिर हम उस पर फेंक के मारते हैं, हमारा नाश तो पहले करता है वो। प्रेम भेजो, क्षमा कर दो, हर बाप की कब्र पे जाके प्रेम बहा डालो, आंसू बहा डालो, क्षमा कर दो और छोड़ दो, भुला दो। इतने मात्र से ही आपके जीवन के अंदर अल्फा का कनेक्शन ऑन हो जाएगा, परमात्मा फाइलें सेट करेगा। रात को ठीक सोने से पहले पैर धोने 15 मिनट पहले, इससे गैप नहीं होना चाहिए, 5 मिनट पहले नहीं, और बुरे सपने आएंगे। कई लोग कहते हैं हम रात को नींद की गोली खाते हैं, 3 घंटे बाद गंदे बुरे सपने शुरू हो जाते हैं, उन सबका थीटा में चला जाता है मुन्ना, इस ब्रेन पे, नींद से ठीक बाहर डरावने सपने आते हैं। 15 मिनट पहले पैर धो के सोने हैं, पैर धोने हैं, 15 मिनट के गैप होना चाहिए सोने और लेटने के बीच, बिस्तर पे चढ़ना ही नहीं 15 मिनट, वो सूखे सुखाने पैर, सूख गए फिर सोचो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे बाद सोना है, हर हालत में उसके बाद सोइए, आराम कीजिए। दूसरा तरीका, आप घर जाते हैं किसी भी टाइम पीठ के बल लेटना है सीधा, बाजू सीधे रहेंगे, हाथ ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तकिया नहीं होना चाहिए सिर के नीचे, अपने दोनों पैर ऊपर उठाएंगे ऐसे, उसके नीचे 2 तकिए लगा दिए,
पैर ऊपर उठ गए जैसे कुर्सी पे बैठे ऐसे लेटी पोजीशन और लेट जाओ सीधा सीधा बिना तकिए के सोना, 5 मिनट लेटो, 15 लेटो, 20 लेटो, वॉट एवर यू कैन डू। जब ये तकिए का मूवमेंट नहीं मिलता ऑटोमेटिकली आप स्टेज के बीच में आना शुरू हो जाते हैं और उस समय क्या करना है, गाने लगा लो, जल्दी सोना है क्लास लगा लो भाव की, क्योंकि ब्रेन प्रोसेस नहीं, मुन्ना है ना, ये मुन्ना है। हम जो क्लास में बात कर रहे हैं सब ज्ञान की है, अपनी छोड़ो, ओशो लगा लो, सदगुरु लगा लो, कोई लगा लो, वो यहाँ की बात कर रहे हैं। मुन्ना ने जैसे ही सुना तो कहेगा सो जा राजकुमार, ये मुझे बदल देंगे, क्योंकि मुन्ना इज एवरीथिंग। ये क्लास है इस नाम से, मुन्ना अगर आपकी जेब में आ गया ये रॉकेट बना देगा। इंट्यूशन इसके पास है, श्राप वरदान की शक्ति इसके पास है, जीवन में अरबोंपति करोड़पति बनाने की शक्ति इसके पास है। ये काबू नहीं आना चाहता आपके, ये ऐसा सर्वेंट है, इसे मास्टर बना लिया जीवन बर्बाद कर देगा, और अगर सर्वेंट बन गया तो मालामाल कर देगा, क्या नहीं देता। इसलिए इमीडिएट सुलाएगा आपको, ये ज्ञान का कुछ भी लगा लो ये सुला देगा। और एंजॉय कराना है तो गाने चलाओ, तड़के भड़के देखो, सो के दिखाओ, ये सोने ही नहीं देगा, ये ध्यान से समझो आप, ठीक है। नहीं तो मलयालम फिल्म के वो टुगे लगा लो और सुनो, ये प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा तो भी सुला देगा। पर ज्यादा खतरा इससे है कि ज्ञान की बम्बार्डमेंट करो धीरे धीरे, मुन्ना और ज्यादा रिसा रिसा के 6% स्ट्रॉन्ग करेगा, वीक होता जाएगा, वीक होकर भी खत्म नहीं होगा। ये इसका वीकनेस यही है कि आप ऑब्जर्वेशन सीख जाओगे, ये वीक तो कभी होता ही नहीं, पर ये जितना आपका गुरु ज्ञान बनाता जाएगा, यूं नोट छापोगे, यूं प्रेम छापोगे, ऐसे शरीर ठीक करोगे, शराब और वरदान की शक्ति मिलेगी। इसलिए किसी हालत में जजमेंट्स नहीं बनानी, किसी के लिए फालतू राय नहीं बनाने, सारे फैसले गलत हैं, क्योंकि वो सारे फैसले मैनिफेस्ट होंगे, इम्प्रिंट होंगे, ईश्वर पे छोड़ो। बढ़िया फैसला करना सोचो यार, नोटों का ढेर है, मौज भार है, जिंदगी साला ऐश की जगह है, ये जजमेंट लो, ये फैसले लो, दुखी दुखे हैं संसार में, कोई दुख नहीं है साला, दिमाग ही खराब है। एक इंसान का भी जीवन खराब नहीं है, सिर्फ सबका दिमाग खराब है। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना समय दिया, प्रेम दिया, आप सब जुड़े लोगों को प्रणाम, नमस्कार, प्रसन्न रहे, ठीक, लव लव।